मैं अपनी एक किडनी अपनी बच्ची को दे चुकी हूँ पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सनी आर्य और आज मैं दिल्ली से चल पड़ा हूं एक प्यारी सी बच्ची की मदद करने के लिए जिसका नाम खुशी है। और जो डिस्टेंस है दिल्ली से होशियारपुर का वो है 7 से 8 घंटे का। जैसे ही वहां पहुंचता हूं मैं आपको आगे की अपडेट देता हूं। जय हिंद जय भारत। दिल्ली से मैं निकला हूं और आया हूं होशियारपुर। बच्चे का घर आने ही वाला है, उसके बाद हम जाएंगे हॉस्पिटल जहाँ पे राय लेंगे डॉक्टर से कि बच्ची को दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है और क्या क्या उसका समाधान है। जय हिंद। अब एक बार आंटी कैमरे में देख के दर्शकों को ये बताओ कि जो गुड़िया को मेन समस्या अभी खड़ी हुई है वो किस चीज़ की है, दो लाइनों के अंदर। मेरी गुड़िया को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इस टाइम, जो ट्रांसप्लांट की मेडिसिन है वो सेट नहीं हो रही अंदर, इस वजह से ना तो उसका ब्लड बन रहा है ना उसको भूख भाग लगती है। मतलब डॉक्टर ये कहते हैं कि इसका बोन मैरो टेस्ट करना पड़ेगा, डॉक्टर्स ये कहते हैं इसके हार्मोनल टेस्ट करने पड़ेंगे, जिस वजह से उन्हें ये देखना है कि इसकी हाइट नहीं है। 14 साल की बच्ची है लेकिन इसको देख के कोई नहीं कह सकता है 14 साल की बच्ची है। और सबसे बड़ी बात है मतलब इसके अंदर इतनी सारी दिक्कतें हैं जिन्हें मैं ठीक करना चाहती हूँ, डॉक्टर्स ठीक करना चाहते हैं और उसकी एक ही वो है कि पैसा नहीं है मेरे पास। पब्लिक के लिए पब्लिक को बता दो आंटी की मदद, आप लोग सब लोग एक बार फिर से निकिताशा की मदद कीजिए और इसको फिर से एक बार खड़ा होने के लिए मदद कीजिए। प्लीज मेरी आप लोगों से बस यही गुजारिश है। पहले भी गुड़िया की मदद एक चैनल के द्वारा की जा चुकी है, चैनल का नाम था हेल्पिंग जोकर। और पहले आंटी के आज जाग गई थी कि हाँ चलो मेरी बेटी ठीक हो गई है, लेकिन वो ठीक होने की वजह बहुत ज़्यादा बीमार हो गई गुड़िया। आपने देखा ये दवाइयाँ और सिर्फ एक महीना ठीक रही है, हमें चमत्कार सा लगा। इसका वेट 27 kg हो गया, मतलब खाने पीने लग गई हम बड़े लोगों की तरह। सिर्फ एक महीना बस, वो एक चमत्कार हमें सिर्फ एक महीना देखा मुझे, उसके बाद से वापस डाउन होती चली गई। और अब ये देखिए एक से लेके ये 20, ये तो सारा दिन मुझे इसको दवाइयाँ देनी पड़ी। तो दवाइयाँ कितने की आपने परचेज करी है अभी? ये अभी तो इसमें से जैसे पूरा अंदाजा तो मैं नहीं लगा सकती। ये जो मेडिसिन है ना इसकी, ये इसकी किडनी के लिए, एक ये, एक ये 15वें नंबर वाली और एक ये 4th नंबर वाली और एक ये 3rd नंबर वाली, ये 8वें नंबर वाली। ओके ओके ओके। इसमें से कुछ ऐसी दवाइयाँ जो इसकी ट्रांसप्लांट की मेडिसिन है। फिर भी मोटा मोटा आंटी क्या खर्चा लेके चलो दवाइयों का गुड़िया का? आप ये मान के चलो ये जो 15वें नंबर वाली मेडिसिन है ये 2 गोलियां 950 की है और इसको हर रोज एक गोली लेनी है, अगर नहीं लेगी तो कुछ भी होगा क्योंकि ट्रांसप्लांट वाली मेडिसिन है। तो डॉक्टर क्या कहते हैं दवाइयां कितनी? ये जो तीनों मेडिसिन है ये एक पत्ता इसका 980 का आता है। तो घर में कमाने वाले? मैं खुद ही हूँ, मतलब ये तो अभी स्टार्ट ही हुआ आपको पता ही है। और मैं इसके फादर को 11 साल हो गए एक्सपायर हुए, देना इसकी दवाइयाँ लानी घर के और बाकी खर्चे, मतलब मेरी समझ में नहीं आता मैं करूँ क्या, इतनी ज़्यादा परेशान। इसीलिए इसको मैंने अभी इसको देखो 2 महीने भी नहीं बीते थे इसकी टांग टूटी, मैंने कहा बेटा करना पड़ेगा नहीं तो नहीं हो पाएगा गुड़िया का कुछ भी, हम यहाँ तक पहुँच के इसको हार जाएंगे, इसीलिए इसको मुझे भेजना पड़ा क्योंकि मैं अकेली जानी मैं कितना मैनेज करूँगा। मैं आया हूँ बेटा दिल्ली से, दिल वालों की दिल्ली। भैया बताओ मैं ठीक हो जाऊंगी ना? कमाल है यार, तू क्यों नहीं ठीक होगा यार, तेरी तो तू क्यों नहीं ठीक होगा बे, तू ठीक हो जाएगा 2 दिन के अंदर और ऐसा हो जाएगा देख वो बनेगा। ये कौन करता है ऐसे? अबे यार नलायक कहीं के, शाहरुख खान करता है यार। यार मेरा गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूं? अच्छा मैं ना आवाज निकालता हूँ कार्टून वाली, सुनेगा कैसे कैसी? नाम तो मेरे को पता नहीं है लेकिन तू सुन के बता कैसी लगेगी तेरे को, ठीक है बेटा? अरे ये देखो ये क्या हो रहा है, अरे इसको तो मारो, इसकी तो पिटाई करनी चाहिए। हाँ हाँ। अरे ये तो मार खाएगा, अरे इसको तो बचा लो। ये किसमें देखता है तू?
कार्टून में देखता है ना, ये अच्छी आवाज निकाली ना मैंने। मेरे को 10 में से 10 में से कितने नंबर दोगे आप? ओ भाई साहब, 10 में से 0। मैं तो गया भाई आज। अब सुनो मेरी एक और खतरनाक सी आवाज, अब आपको लगेगा मेरे अंदर कोई लड़की आ गई है। हाय खुशी, कैसे हो आप? खुशी कैसे हो आप? शर्मा रही है खुशी? मेरे को बोल पकड़ाओ ना। मेरी आवाज कैसी लगी आपको? अच्छी लगी। ओ भाई साहब, जान में जाना कि तूड़े ने मेरी तारीफ कर दी, मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया। ये हॉस्पिटल में एंट्री कर ली हमने, और जो जिस डॉक्टर के पास इलाज चल रहा है, जिन डॉक्टर साहब का नाम अजय है, उनके पास जाते हैं बात करने के लिए। पिछले आधे घंटे से डॉक्टर साहब का वेट कर रहे हैं, और बस हमें डॉक्टर साहब की एक छोटी सी बाइट की ज़रूरत है। बाइट बोले तो जो बात हम आप सबके सामने रखना चाहते हैं, वो अगर डॉक्टर साहब रख देंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि आप तक जो मैसेज जाएगा बहुत पॉजिटिव जाएगा। जय हिंद। नमस्कार सर, मेरा नाम सर सनी आर्या, हेल्पिंग सनी आर्या से मैं यूट्यूब चैनल पे भी हूँ, आप देख सकते हैं। देव एक बार आ गया, आपकी सिस्टर है, इलाज सर के पास चल रहा है। तो सर अभी क्या नीड है बच्ची को? सर ऐसे है कि इसका ट्रांसप्लांट हुआ है, ट्रांसप्लांट अकाई हॉस्पिटल में हुआ। जी जी जी। ट्रांसप्लांट के बाद अभी उसकी किडनी में थोड़ा उतार चढ़ाव है, उसको इन्फेक्शन है, जिसके कारण वो हमारे पास दाखिल रही थी। जी। उसका इलाज किया गया। ओके। और अब थोड़ा सा किडनी फंक्शन ठीक हुआ है, उसके आगे भी इलाज चलेगा। ट्रांसप्लांट के बाद उसको सारी उम्र दवाई खानी पड़ती है। जी। हर महीने 20 से 25 हज़ार रुपये का इनिशियली दवाई खर्चा आता है। जी जी। बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो गई है, कुछ ना कुछ होगा, तो उसको दाखिले की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे उसका खर्चा बढ़ सकता है। तो ट्रीटमेंट तो उसको लाइफ लॉन्ग चलेगा। अभी सर पहले भी बच्ची का इलाज हुआ था, पहले क्या करवाया था? ट्रांसप्लांट हुआ था। ट्रांसप्लांट, तो सर उसके बाद अब दोबारा नीड पड़ रही है बच्ची को, तो सर लाइफ टाइम लाइफ लॉन्ग लग पड़ी बनता है उसको, तो लाइफ टाइम ही मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है। जब तक उसकी जब तक मेडिसिन चलती रहेगी तब तक किडनी चलती रहेगी। जैसे ही उसको मेडिसिन की डोज छोड़ी या कुछ किया, तो उसमें किडनी जो डाली है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी, रिजेक्शन में जा सकती है। बड़ी मुश्किल से पाया है इसको, 8 साल का इंतजार कर करके भगवान के आगे हाथ जोड़ दिए। यूं तो मैं नहीं चाहूंगी ऐसे दुनिया से जाए एक इलाज के हाथों से। तो दोस्तों आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इस प्यारी सी बच्ची की मदद करें और खुशी को एक नई जिंदगी दें, जिससे खुशी दोबारा खेल सके, कूद सके, और उनकी माँ की आंखों में जो आंसू हैं वो सारे दूर हो जाएं। और नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे तो नीचे अकाउंट नंबर है, पेटीएम नंबर है, जितना ज़्यादा योगदान देंगे उतना ज़्यादा इस बच्ची के लिए, बच्ची की खुशी के लिए अच्छा होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर है एक्सिस बैंक का, और नीचे ही पेटीएम नंबर है। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आप डोनेट करेंगे पैसा, एक नई ज़िंदगी मिल जाएगी खुशी को, और उसके परिवार में दोबारा से खुशी आ जाएगी। जय हिंद, जय भारत।